जब इनके ये राजा इनके फैरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे, अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें भी अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि जो पिरामिड्स आपने देखा होगा अरब देश में, वो मतलब कि इजिप्ट वगैरह में, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, वो किस तरीके से वजूद में आया है। तो जो मिस्ट्री है इसके पीछे, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पे एक रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसकी हिस्ट्री तो मुझे अब तक मालूम ही नहीं है कि किस तरीके से ये पिरामिड का फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से वो बना है, लेकिन इसको जिसने एक्सप्लेन किया है वो मेरे फेवरेट हैं, जिनकी वीडियो मैं अक्सर देखती हूँ, वो है ध्रुव राठी। तो अगर आप इनको नहीं जानते, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज देते हैं किसी भी चीज का। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जा करके वॉच आउट करें, या तो पहले कर दीजिए या तो बाद में कर दीजिए। तो अगर आपको पिरामिड के बारे में नहीं पता है तो चलिए मिल करके देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो सके कि पिरामिड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 साल। इंसानों ने बनाया, इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखो, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी, इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around इतिहास में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होते जाता है शोर शॉट पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 BC में फैरो खुफू के द्वारा। ये एंशियंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे हम उन्हें फैरो करके पुकारते हैं। फैरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था इस पर काफी चर्चा होती है, हिस्टोरियंस कुछ एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल से ज्यादा का समय भी बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर, और अगर आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है, इस जैसे दिखने वाले दो और पिरामिड्स दिखते हैं सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकौर है, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है, इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और बरियल टूम्स, कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलवा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशंस में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही तीन पिरामिड्स हैं।
स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये इनके फैरोस को यहाँ पर दफनाया गया है। बात क्या है दोस्तों, एंशियंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जब इनके ये राजा, इनके फैरोज जिंदा थे, तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें भी अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफनाकर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था। दो बड़े कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इस जैसे ही और पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं। इस जैसे ही कॉफिन्स पर और ऐसे ही पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहाँ पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर, अपने अंदर इस पिरामिड के कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीजों का, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिली। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था, और बाकी और जो खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। तो जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं, उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी ही अजीबोगरीब है। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये है कि ये ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते हैं वो कहते हैं कि एंशियंट इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है, कुछ पुराने जमाने के इनके आर्टवर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्टवर्क्स पाए गए हैं, जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है इन्होंने। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था, और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ इसका। मैंने बार बार बताया कि ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज तब बनाई जाती हैं जब सब्सटैंशियल एविडेंस किसी चीज को लेकर नहीं होता, लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एंशियंट इजिप्शियन के जमानों में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला है? असलियत में दोस्तों, ये आर्ट वर्क एक्चुअली में एक इजिप्शियन माइथोलॉजी की स्टोरी दिखाता है। ऐसी ही एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरी थी, एक बड़ा सा भंडार। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग, ये उनकी पर्सनल थ्योरी है, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। पर्सनल थ्योरी इज दैट जोसेफ बिल्ट द पिरामिड्स इन ऑर्डर टू स्टोर ग्रेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने के पीछे, जो कि है पॉलिटिशियंस के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट। तो एनीवेज, ये चीज काफी क्लियर है आज के दिन। हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत है इस बात पर कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय पर लोगों का मानना था कि जितना आलिशान मकबरा होगा, जितना ज्यादा हम खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीजें रखेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी बीतेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया? सही मायनों में देखा जाए तो यही एक्चुअली में दोस्तों सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है, जब कोई काटने के लिए टूल तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जब ये लोग पहियों का भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सब इन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल ही दोस्तों टाइम स्पैन बताया जाता है जितना समय लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। तो कई थ्योरीज बताई जाती हैं इसको लेकर, और इस बारी मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करूंगा जो बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन इन थ्योरीज की बात करने से पहले एक बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के मन में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट्स यहाँ पर मजबूरी में काम करने लग रहे थे दिन रात, जिनके जो बॉस होते थे उन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे उनकी। याद है ना, किसी ना किसी फिल्म में आपने ये जरूर देखा होगा। काफी समय तक लोगों को लगता था कि ऐसे ही स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया है। एक 5th सेंचुरी BC में रहने वाले ग्रीक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस करके,
उन्होंने ही पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया, लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था उससे ज्यादा हट्टे कट्टे वेल फेड लोग थे ये लेबर्स। ये लोग शहरों में रहते थे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स से सपोर्ट भी मिलता था, जैसे कि फार्मर्स अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा देते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करी जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही, ज्यादा से ज्यादा दूर ये सदर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे जो कि 800 किलोमीटर दूर। अब सवाल ये कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस समय में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था, तो जो टूल्स बनते थे वो कॉपर के बनते थे। जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डॉलराइट का इस्तेमाल करके। कई तरीके इनके काफी यूनिक होते थे, जैसे कि पत्थरों के अंदर ये क्रैक्स और होल्स को ढूंढते थे और हथौड़े से उसके अंदर वुड के बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर सूख किए गए थे। जैसे वो पत्थर पानी को अब्सॉर्ब करता, ये वेजेस जो है वो और एक्सपैंड हो जाते और वो पत्थर टूट जाता। लेकिन सबसे बड़े सवाल पर आए, इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। उस समय पर व्हील्स कार्ट्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, तो कोई गाड़ी सी मशीन नहीं थी कि नीचे पहिए लगाए, उस पर पत्थर डाला और हिलाकर लेकर चले गए। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी है यहाँ पर, इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये राफ्ट सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ गया, एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो बहुत ही रिसेंटली पता चली है, 2014 में एक स्टडी करी गई थी। और इस थ्योरी का बेसिस है एक्चुअली में एक पेंटिंग जो कि पाई गई थी जे हुती हो टेप के टूम्ब पर। ये टूम्ब काफी बाद का है, 1900 BC का है, लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं करीब 170 लोग एक स्टैचू को घिसटा कर ले जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। इस पेंटिंग में ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा कि कैसे एक आदमी स्टैचू के सामने पानी गिराने लग रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई रिचुअल का जरिया होगा, कोई ट्रेडिशन होगा इनका सामने पानी गिराना। लेकिन जब फिजिसिस्ट डैनियल बॉर्न और उनकी टीम ने इसे टेस्ट आउट किया तो पता लगा रेत में एक सर्टन अमाउंट ऑफ पानी अगर मौजूद होगा तो जमीन पर और जमीन पर घिसटने वाली चीज का जो फ्रिक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये रेशियो काफी बारीक है, करीब 2-5% पानी सैंड में। इसकी मदद से गीले रेत में चीजों को ड्रैग करना काफी आसान हो जाता है। अब अगला सवाल यहाँ पर उठता है, आप पूछोगे अच्छा चलो मान लिया पत्थरों को धक्का मारकर इधर से उधर रेत में ले जाया जा सकता है, लेकिन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता है, इतने भारी वजन को आखिर में कैसे उठाया जाए बिना मशीनों का इस्तेमाल कर। अब आमतौर पर पुलिस का एक सिस्टम बनाया जा सकता है इसे उठाने के लिए, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया जो व्हील था वो इस समय पर फोर्थ डायनेस्टी के दौरान एग्जिस्ट नहीं करता था इजिप्ट। एग्जिस्ट करता था लेकिन उसे सिर्फ पॉटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जवाब है यहाँ पर दोस्तों, एक रैम्स का बड़ा ही अनोखा सिस्टम बनाया गया। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक 4500 साल पुराना वुडन रैम अनकवर किया एक क्वारी से। तो स्कॉलर्स ने कहा कि एक इस तरीके का रैम्प बनाया गया होगा उस समय पर जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम यूज किया जहां पर इन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिया इसके आसपास, फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन डंडों के अराउंड उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसा आप आर्टवर्क में देख सकते हैं। इसे सजेस्ट किया गया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट के द्वारा साल 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बनाया होगा, और ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो ये स्लोप को पीछे तक ले गए होंगे, यानी स्लोप को ज्यादा पीछे से शुरू करे बनाना ताकि ज्यादा टिल्ट ना आए उस स्लोप। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी कहती है कि इन्होंने एक लीवर्स का सिस्टम इस्तेमाल किया होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए।
ड्रॉइंग्स में देखिए किस तरीके से काम करता है। बेसिकली एक मिडल पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो, उसके ऊपर एक डंडा लगाया और डंडे के दूसरी तरफ कुछ वजन डाला और उसको फिर घुमाकर ऊपर प्लेस कर दिया। स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा ही एक सिमिलर सिस्टम जिसका नाम इन्होंने दिया है शाडूफ इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था हजारों सालों से। इस मैकेनिज्म का ये लोग पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे नाइल नदी से अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। ये दोनों थ्योरी सुनने में काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टाइम। हम जानते हैं कि पिरामिड्स को 20 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट किया गया था। अब 20,000 लोग अगर एक एक करके यहाँ पर पत्थर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हर 3 मिनट पर एक एक पत्थर यहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए साल के हर एक दिन पर, जो कि काफी अनलाइकली लगता है कि इतनी स्पीड से इन्होंने काम किया होगा यहाँ। एग्जैक्टली यही रीजन है दोस्तों कि आज के दिन तक ये चीज एक बड़ी मिस्ट्री है। ये दोनों थ्योरी सुनने में ठीक लगती है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर। हम यहाँ पर ये जरूर जानते हैं कि शुरू की कुछ जो पिरामिड की लेयर्स हैं उन्हें बिना किसी मोर्टार यानी बिना किसी गारा के प्लेस किया गया था, लेकिन ऊपर की लेयर्स में मोर्टार जरूर ऐड किया गया था जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्ट्रक्चर की। और यही कारण है कि इतने हजारों सालों में कई भूकंप भी आ गए, अर्थक्वेक्स आए, फिर भी ये पिरामिड ऑफ गीजा आज के दिन तक खड़ा है। वैसे इस मोर्टार के बारे में भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ये जरूर जानते हैं कि इसकी एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्या है, लेकिन साइंटिस्ट इसे दोबारा से बना नहीं पाए। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप पिरामिड की जो बाहर की लेयर थी वो बड़े ही फाइन वाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब यह है कि जब भी यहाँ पर सनलाइट आती थी ये सारे पिरामिड्स बहुत ही वाइट कलर के चमकते होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो इतने हजारों सालों बाद टूट गई है। ये बाहर की लेयर वॉर्न ऑफ हो चुकी है खुफू और मेनकाउरे के पिरामिड से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ऊपर ऊपर आप थोड़ा सा अभी भी देख सकते हैं इस लेयर को। अब कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर इन पिरामिड्स के डिजाइन पर आए तो ये भी बड़ी फैसिनेटिंग चीज है। क्या आप जानते हैं इन पिरामिड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। एक बहुत छोटा सा एरर है यहाँ पर, 1/115 of 1 degree का एरर है, जो कि बहुत थोड़ा एरर होता है। ऑलमोस्ट यही मान लो कि बड़े ही एक्यूरेट तरीके से चारों डायरेक्शंस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? उस वक्त कोई कंपास मौजूद नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, GPS टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक बार फिर से रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करी है कि इजिप्शियंस ने इतना हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन कैसे अचीव किया। एक पॉपुलर थ्योरी इसको लेकर बताई जाती है ऑटम इक्विनॉक्स की। जब धरती का टिल्ट इस तरीके से हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की। अगर इजिप्शियंस ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो जो डिग्री ऑफ एरर उनकी कैलकुलेशंस में आया था वही डिग्री ऑफ एरर इस शैडो में भी मौजूद होता है जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है। तो दूसरी थ्योरी यहाँ पर बताई जाती है कॉन्स्टेलेशंस को लेकर। आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शंस को देखकर यहाँ पर इजिप्शियंस ने अपने डिजाइन को अलाइन किया। 1989 में रॉबर्ट बॉवल, एक ऑथर और इजिप्टोलॉजी एंथुसियास्ट, इन्होंने अपनी एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा जो 3 पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं, वो एक्चुअली में ओरियन बेल्ट के जो तारे हैं उनके 3 तारों के स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। इनका कहना है कि अलाइनमेंट इंटेंशनल थी और एंशियंट इजिप्शियंस जानते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। वो तारों को रात में ट्रैक करते थे और उन्हें स्टडी करते थे। उसके अकॉर्डिंग वो कुछ अपने क्रॉप्स को भी सर्टेन अलग अलग टाइम्स पे हार्वेस्ट करते थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि एक फ्रिंज थ्योरी है। फ्रिंज का मतलब जो भी मेन स्ट्रीम नहीं हो। कुछ पॉइंट्स जो इस थ्योरी के खिलाफ दिए जाते हैं कि तीनों पिरामिड्स एक टाइम पर प्लान नहीं किए गए थे, ना ही एक टाइम पर बनाए गए थे। और 1999 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअली में इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया और ओरायन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स को देखा तो पता चला कि एग्जैक्टली पिरामिड्स अलाइन नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और बात यह है कि एक्चुअली वो जो कॉन्स्टेलेशन है वो थोड़ा हिल गया है इतने हजारों सालों बाद। स्टार्स की अलाइनमेंट वो सेम तरीके से नहीं है जो आज के दिन पॉसिबल है। ये थ्योरी यहाँ पर बतानी जरूरी है क्योंकि एक क्लासिक केस है जहां पर इंसान पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं चाहे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते भी ना हो। जब चीजों का ठोस सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम अपने आइडियाज बनाते हैं और कहीं पर भी कोई लिंक मिल जाए तो हम उसे सच मान बैठते हैं। इसी चीज को ही एक और नए लेवल पर ले जाओ और एग्जैजरेट कर दो तो और अजीबोगरीब थ्योरीज बनकर आती हैं। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया होगा।
मेरी राय में ऐसी अजीबोगरीब थ्योरी साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ जाती है। ये एक शॉर्टकट तरीका है बस किसी तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकालने का जब हमें सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो बेहतर ये है कि हम एक्नॉलेज करें कि ये चीजें हमें पता है और जो चीजें नहीं पता हमें उन्हें हम क्लियरली सामने रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस इस चीज में रिसर्च कर पाएं और कोई कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन यहां पर दे पाएं इन मिस्ट्रीज को लेकर। और वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके ऐसे ही और मिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पर आप वीडियोस देख सकते हैं जैसे कि टाइटैनिक और बर्मुडा ट्रायंगल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि 20 साल तक भी इतना बड़े इतना हैवी तरीके से जो पिरामिड बना है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम पर भी इतना बड़ा पिरामिड बनाने के पीछे जो लॉजिक लगने की पॉसिबिलिटी थी वो सारी इस वीडियो में दिखाई गई थी कि वो जो भी लेबर थे वो पत्थर को नदी के थ्रू बहा करके लेके आते थे पिरामिड बनाने के लिए और फिर एक स्लोप तैयार करते थे और फिर लकड़ी के जो लॉक्स थे उसमें गांठ बांध बांध करके उसको ऊपर पुल करते थे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 20 साल में इतना बड़ा पिरामिड तैयार कर देना मतलब अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि हर लेबर की एक क्षमता होती है। लेकिन ये भी मान सकते हैं कि पहले के जो हमारे पर्संस थे, पहले के जितने भी पीपल्स थे, वो आज के पीपल से बहुत गुना ज्यादा, बहुत टाइम्स ज्यादा वो लोग पावरफुल थे, क्योंकि उन लोगों का जो खान पीन था वो प्रोसेस्ड नहीं था। जैसे आज के टाइम पे सारी चीजें प्रोसेस्ड हो गई हैं, वैसे ही उस टाइम पे वो लोग अपने हाथों से सारी चीजें उगाते थे और उसको खाते थे, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती थी वो काफी ज्यादा स्वस्थ रहती थी। और रही बात डायरेक्शन की, तो फिर पहले के टाइम पे ये पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाते थे कि उन लोगों को एकदम एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता था, एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाता था। अगर लाइफ में कभी भी आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो आप ना आसपास के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे कहीं के भी मॉन्यूमेंट्स हैं, किसी भी कंट्री के मॉन्यूमेंट्स हो, उनको जाकर के देखा करिए। उसमें ऐसे ऐसे लॉजिक देखने को मिलेगा आपको कि आपको देख करके और सोच करके सुन करके ना एकदम अचंबा रह जाएंगे आप। तो वहाँ जा करके आप थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश किया करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला करके बनाई गई है, किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, ताकि आपको उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाए, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। तो आपको ये नॉलेज कैसी लगी, और आपको अगर इस बारे में नहीं पता था कि ये पिरामिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जो न्यू वीडियोज़ है ना वो मैं आपको लेकर के उस पर रिएक्शन दूँ। और आपके मन में भी अगर कोई रिएक्शन है तो वो भी हमें बताइएगा ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी। बाय, टेक केयर।